हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप लेक्चर 13 गुवावा। इन दिस लेक्चर आई विल कवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वैरायटी, सोयल क्लाइमेट, प्रोपोगेशन, प्लांटिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हार्वेस्टिंग, ईल्ड, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ गुवावा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। गुवावा एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ इसको हिंदी में कहें तो उष्ण कटिबंधीय सेब, ठीक है, और जाम के नाम से भी इसको कई जगहों पे जाना जाता है भारत के अंदर। बोटनिकल नेम सीजियम गुजावा, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो सीजियम गुजावा है। फैमिली माइटेसी, जो इसका कुल है वो माइटेसी है। ओरिजन पैलेस ट्रॉपिकल अमेरिका, मैक्सिको टू पेरू। ये जो ओरिजिन पैलेस है, कई बार जो उत्पत्ति स्थल होता है ना, इसको जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कई बार तो ट्रॉपिकल अमेरिका ही लिखा आता है कि ऑब्जेक्टिव में, और कभी कभी ये मैक्सिको आता है, कभी कभी पेरू होता है। तो ध्यान रखना, मैक्सिको टू पेरू ट्रॉपिकल अमेरिका के अंदर ही आ जाते हैं। क्रोमोजोम नंबर 22, जो इसके गुणसूत्र संख्या होती है वो 22 होती है। इन्फ्लोरेसेंस जो इसका होता है सोलेटरी होता है, कहने का मतलब एकल, एकांतर, ठीक है। एडिबल पार्ट थैलेमस एंड पेरिकार्प, जो इसका खाने वाला भाग है वो थैलेमस और पेरिकार्प होता है, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, गुआवा इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। गुआवा होता है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, मतलब इसकी जो रेस्पिरेशन रेट होती है तोड़ने के बाद एकदम से बढ़ती है। जहाँ अपने सीधे सीधे शब्दों में कहें, तोड़ के ये पकता है, तोड़ने के बाद पकता है। गुआवा इज ए डे न्यूट्रल प्लांट। गुवावा डे न्यूट्रल प्लांट होता है, मतलब इसमें जो फोटो पीरियड होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर, ठीक है। और जैसे कई प्लांट होते हैं शॉर्ट डे होते हैं, कोई लॉन्ग डे होते हैं, तो ये डे न्यूट्रल होता है, दिन तटस्थ प्लांट होता है, ठीक है। यूपी हैज़ मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन। यूपी जो उत्तर प्रदेश है वो, उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी है और सबसे ज़्यादा वो अमरूद का, जहाँ गुवावा का प्रोडक्शन भी करता है अमरूद का, ठीक है। गुवावा इज़ ए एंटमोफिलस एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड। गुआवा जो है वो एंटमोफिलस होता है, मतलब इसमें जो पोलिनेशन या पोलिनेटर होता है वो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके द्वारा इनमें पोलिनेशन होता है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी की बात करूं, जो मैंने पहले बोला था यूपी हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया एंड प्रोडक्शन, पर प्रोडक्टिविटी गुजरात की ज़्यादा, याद रखना, ठीक है। द फ्रूट आर एक्सिलरी ऑन द करंट सीजन ग्रोथ। जो फल होते हैं वो एक्सिलरी लगते हैं इसके अंदर, जो नए सीजन की ग्रोथ होती है उसी सीजन की ग्रोथ होती है, कहने का मतलब, ठीक है, नई ग्रोथ के ऊपर फल लगते हैं एक्सिलरी। जैसे आम के अंदर टर्मिनल ही होते हैं, आपने देखा होगा कि आम के अंदर गुच्छे बनते हैं, जो बोर लगता है वो सीधा ऊपर की साइड लगता है, और गुवावा के अंदर क्या होता है, पत्ती की जो एक्सिल होता है ना, जहाँ कोई शाखा उसके एक्सिल के अंदर फूल बनते हैं और वहीं पर फल लगते हैं, ठीक। ये टर्मिनल जहाँ शीर्ष होता है ना, वहाँ पर फूल नहीं आते इसके, इसके पत्ती के उसके अंदर आते हैं, एक्सिल के अंदर, ठीक है। गुवावा इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट इन पुणे इन 1907। जो गुवावा इम्प्रूवमेंट वर्क है वो 1907 के अंदर पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ था, मतलब इसमें नई नई किस्में तैयार करना, इसमें कोई कल्चर इम्प्रूवमेंट करना, तो उसका जो काम स्टार्ट हुआ वो पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद है बहार, गुवावा बहार, मतलब गुवावा के अंदर तीन बहारें कॉमन होती हैं, ये कह लो कि गुवावा साल भर फलन, जब पुष्पन में रहता है, तीन बार फल आते हैं इसके अंदर, जो माइल्ड क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, तो ठीक है। तो इसकी जो बहारें हैं उनकी फ्लोवरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है और क्वालिटी कैसी रहती है, उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो अम्बे बहार है वो फरवरी से मार्च के अंदर फ्लोवरिंग आती है उसमें, और फ्रूटिंग उसके अंदर जुलाई से सितंबर के अंदर फ्रूटिंग होती है। और ऐसे जो फल होते हैं इस बहार के, अम्बे बहार के, वो वाटरी और पुअर होते हैं। वाटरी से मतलब थोड़ा टेस्ट नहीं होता, फीके होते हैं, कहने का मतलब, और बेकार क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के होते हैं। मृग बहार जून जुलाई के अंदर इसके फ्लोवरिंग होती है, नवंबर जनवरी के अंदर फल आते हैं सर्दी के अंदर, तो एक्सीलेंट क्वालिटी के होते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में मृग बहार को लिया जाता है, और भी कई कारण हैं मृग बहार को लेने के। वैसे इसके अलावा हस्त बहार के अंदर जो फ्लोवरिंग होती है अक्टूबर के अंदर होती है, और फ्रूटिंग इसकी फरवरी अप्रैल के अंदर फ्रूटिंग होती है, और गुड होते हैं फल, अच्छे होते हैं, पर लो ईल्ड होती है, उपज कम मिलती है। इस समय अगर फल लगेंगे तो उपज कम मिलेगी आपको, ठीक है। तो गुवावा बहार ये होती है, याद रखना, फ्लोवरिंग का समय कई बार पूछ लेते हैं, फ्रूटिंग का टाइम कब होगा वो भी पूछ लेते हैं, याद रखना कब होती है, और क्वालिटी वाइज भी। और याद रखना, मृग बहार ज़्यादातर प्रेफर की जाती है हर जगह पर लेने के लिए। इन साउथ इंडिया फ्रूट टेक प्लेस थ्री टाइम। इंडिया जो साउथ इंडिया है,
ठीक है, दक्षिणी भारत, वहां पे 3 बार फलन होता है गुआवा के अंदर, ठीक है। बियरिंग इन गुआवा थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन मई एंड जून। जो गुआवा के अंदर, जहाँ अमरूद के अंदर बियरिंग होती है, जहाँ फलन होता है, वो साल भर होता है, पर मई जून के अंदर नहीं होता और सारे साल भर होता है, ठीक है। चाइनीज गुआवा सीजियम फ्रिडरिच सेलेनियम इज ए ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक एंड ऑल्सो रेजिस्टेंट टू गुआवा विल्ट एंड नेमेटोड्स। जो चाइनीज गुआवा, जिसका बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम सीजियम फ्रिडरिच सेलेनियम है, वो एक बोना मूल ग्रंथ है, बोने मूल ग्रंथ के रूप में यूज किया जाता है। और इसके अलावा वो गुआवा विल्ट, जो इसकी बीमारी है, और जहाँ फिर नेमेटोड है, उससे भी रेजिस्टेंट है, ठीक है, वो नहीं होता इसमें। हाई डेंसिटी प्लांटिंग रिड्यूस TSS, शुगर एंड एस्कॉर्बिक एसिड, बट इंक्रीज टाइट्रेवेड एसिडिटी। जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है, मतलब सघन खेती करते हैं ना कई बार, मतलब कम दूरी पे पौधे लगाते हैं, जैसे इसमें वैसे मैडो ऑर्चार्डिंग भी स्पेशली इसके लिए ही तैयार की गई है। अगर ऐसे प्लांटिंग करते हैं, ऐसे मेथड से, हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग से, तो क्या होता है कि फल के अंदर जो TSS होता है वो कम हो जाता है, शुगर भी कम हो जाती है उसमें, और एस्कॉर्बिक एसिड भी उस फलों के अंदर कम हो जाता है। पर जो उसकी टाइट्रेटेड एसिडिटी होती है, टाइट्रेबल एसिडिटी होती है, ठीक है, वो उसकी ज़्यादा हो जाती है फलों के अंदर। हाई डेंसिटी प्लांटिंग कुछ चीज़ों को कम कर देती है, मतलब फल जो होंगे मीठे नहीं होंगे। L49 इज मोर ससेप्टिबल टू ब्रॉन्जिंग देन इलाहाबाद सफेदा। L49 जो किस्म है, वैसे तो इलाहाबाद सफेदा से ही निकली हुई है, चांद सीडलिंग है, इलाहाबाद सफेदा से निकली हुई L49 या लखनऊ 49 बोल देते हैं किस्म है, पर ये ब्रॉन्जिंग से ज़्यादा ससेप्टिबल है। ब्रॉन्जिंग क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर अपने कवर करेंगे। नेक्स्ट है, फ्रूट क्वालिटी इज बेस्ट इन विंटर क्रॉप, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाइज। जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो ज़्यादातर विंटर क्रॉप की होती है, फलों की, जो मैंने मृग बहार के अंदर बताया वो विंटर के अंदर ही आ रहे थे, तो उस समय फलों की क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है उससे भी प्रोटेक्ट रहते हैं, मतलब उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक भी कम होता है इस कंडीशन के अंदर उस समय, इसलिए क्वालिटी अच्छी होती है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इन प्लेस ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप रेगुलेशन। याद रखना, कई बार डेफिनेशन आती है क्रॉप रेगुलेशन क्या है, तो क्रॉप रेगुलेशन के बारे में मैं आगे वैसे बताऊंगा, पर क्रॉप रेगुलेशन क्या होता है कि किसी एक सीजन की फसल को आप अवॉइड करके दूसरे सीजन की फसल को लेना क्रॉप रेगुलेशन कहलाता है। जैसे विंटर क्रॉप को लेना, यानी कि मृग बहार को लेना, या फिर अंबे बहार या हस्त बहार को रिमूव करके, वो क्रॉप रेगुलेशन है गुआवा के केस के अंदर, ठीक है। इसकी जगह आप दूसरी फसल भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। विंटर क्रॉप को आप अगर कई जगहों पे ऐसा भी है कि वो विंटर क्रॉप नहीं लेते किसी और कारण से, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, तो वो दूसरी फसल को अवॉइड करते हैं, वो प्रोसेस क्रॉप रेगुलेशन कहलाती है, ठीक है, रेगुलेट करना उसको। रेनी सीजन क्रॉप कैन बी रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग 10% ऑफ यूरिया इन अलावा एट अलाहाबाद सफेदा एंड 20% इन लखनऊ जहाँ L49 एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लोवरिंग पीरियड। जो रेनी सीजन क्रॉप होती है, ठीक है, यानी कि इसके बाद वाली, अंबे के बाद आती, सॉरी मिरेक के बाद आती है जो हस्त बार, उसको रिमूव करने के लिए 10% यूरिया का इलाहाबाद सफेदा के अंदर और 20% यूरिया का लखनऊ 49 के अंदर फ्लोवरिंग के समय, पूरी जब फ्लोवरिंग आ जाती है उस समय छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे डी ब्लॉसमिंग हो जाती है, फ्लोवर सारे के सारे झड़ जाते हैं लगे हुए, तो वो क्रॉप अवॉइड हो जाती है, ठीक है। ये एक तरीके का क्रॉप रेगुलेशन के अंदर ही आ जाता है, पर उसके अंदर कई बार पूछा जाता है कि केमिकल कौन सा यूज करते हैं, या कौन से किससे यूज करके वो डी ब्लॉसमिंग की जाती है, तो 10% यूरिया, इसके अलावा नाड भी यूज किया जाता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी फ्रूट आर फ्रॉम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो बेस्ट क्वालिटी के फल होते हैं गुवावा या अमरूद के, वो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होते हैं। विटामिन इज हाइएस्ट इन द पील ऑफ द फ्रूट एट द राइप स्टेज। जो विटामिन ई होता है, वो जो फलों का छिलका होता है, जब पूरी तरह फल पके हुए होते हैं उस समय उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, पील के अंदर, मतलब उसके छिलके के अंदर अमरूद के। गुआवा विल्ट अकर मोर इन एल्केलाइन सोयल। जो गुआवा विल्ट है ये बीमारी, ठीक है, वो एल्केलाइन सोयल के अंदर, ठीक है, एल्केलाइन सोयल सोयल के अंदर ज्यादा पाई जाती है। एनोप्लॉयडी 82 इज ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक,
एक ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है गुआवा का, ठीक है, अमरूद का ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक लिखो, बौना मूल ग्रंथ लिखो, तो एन्यूप्लोइडी 82 भी है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था सीजियम फ्रेड रिच थेलेनियम जो इसका चाइनीज गुआवा है वो भी है, पर सबसे ज्यादा ड्वार्फ के बारे में अगर ये इसका ऑप्शन ज्यादा आता है एन्यूप्लोइडी 82 का। बैंडिंग इन गुआवा इज डन इन महाराष्ट्र, बैंडिंग जो है गुआवा के अंदर वो महाराष्ट्र के अंदर ज्यादातर फॉलो की जाती है और ज्यादातर जगहों पे नहीं की जाती बैंडिंग, ठीक है, बैंडिंग प्रोसेस आगे बताऊंगा होती क्या है। इज ए रिच सोर्स ऑफ पैक्टिन, जो गुआवा है वो पैक्टिन का अच्छा स्रोत है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन जब गुआवा अपने जेली बनाते हैं उस टाइम ज्यादातर यूज होता है, वैसे पैक्टिन उसकी कोशिकाओं का रस होता है, ठीक है। इसके अलावा द मैडो ऑर्चार्डिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड इन गुआवा फॉर हॉरिजेंटल यूज ऑफ स्पेस, मैडो ऑर्चार्डिंग यानी कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कह लो, बहुत ही पौधों को बहुत ही कम दूरी पे रोपित किया जाता है इसके अंदर, ये गुआवा के अंदर डेवलप की गई थी, जो हॉरिजेंटल जो होता है या कह लो कि पूरी की पूरी जमीन को कवर करने के लिए पूरी तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो सके, तो गुआवा के अंदर डेवलप की गई थी ये मैटो ऑर्चार्डिंग। मैडो ऑर्चार्डिंग याद रखना, अल्ट्रा ड्वार्फ सॉरी अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। उसके अलावा वराइटीज, लखनऊ 49 यानी कि इसको सरदार नाम से भी जानते हैं, इस किस्म को L49 भी कह देते हैं, लखनऊ 49 भी सरदार भी। चांस सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफेदा इन 1927 इन पुणे बाय डॉक्टर चीमा, जो L49 किस्म है इसे सरदार कह देते हैं, और ये चांस सीडलिंग सिलेक्शन है, मतलब जो इलाहाबाद सफेदा उसमें से चांस सीडलिंग सिलेक्शन, बीजों में से कुछ अच्छे पौधे निकले उनको सिलेक्ट कर लिया, और इसे डॉक्टर चीमा ने 1927 के अंदर डेवलप किया था। इसके अलावा हफ्सी किस्म है इसकी, जिसमें रेड फ्लश्ड गुआवा होता है, हफ्सी के अंदर जो फ्लश होती है अंदर से वो लाल रंग की होती है, ठीक है, अंदर से वो लाल रंग का होता है खाने में जो उसका गुद्दा होता है, इलाहाबाद सफेदा। इसके अलावा चित्तीदार, इसके अंदर जो चित्तीदार के अंदर नंबरस रेड डॉट ऑन स्किन, जो फल होता है फल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे फल के ऊपर, छिलके के ऊपर लाल रंग के डॉट डॉट। इसके अलावा हरीजा मोस्ट पॉपुलर इन बिहार, हरीजा एक मोस्ट पॉपुलर बिहार बिहार के अंदर प्रसिद्ध किस्म है। इसके अलावा एप्पल कलर भी इसी की किस्म है, बिहार कोकोनट ये सीडलेस गुआवा है, सीडलेस वैरायटी है। इसके अलावा अर्का मृदुला, ठीक है, सीडलेस सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफेदा सॉफ्ट सीडेड, ये भी इलाहाबाद सफेदा से निकली हुई है और सीडलेस सिलेक्शन है उसी का, जिसमें सॉफ्ट होते हैं बीज, वैसे सीडलेस नहीं होती, बीज सॉफ्ट होते हैं। इलाहाबाद सुरखा यूनिफॉर्म पिंक फ्रूट विद डीप पिंक फ्लैश, जो इलाहाबाद सुरखा होता है इसके अंदर जो गुद्दा होता है फ्लैश होती है वो पिंक कलर की होती है, गहरे पिंक कलर की होती है, ठीक है, गुलाबी रंग की होती है कहने का मतलब। इलाहाबाद राउंड, इसमें पार्थेनो कार्पिक वैरायटी है, इलाहाबाद राउंड के अंदर बीज पार्थेनो कार्पिक नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस और अर्का अमूल्या, ये अर्का सफेदा इनटू सीडलेस का क्रॉस है। इसका हिसार सुरखा सॉरी सुरेखा, इसका ललित ये 24% हायर यील्ड देन इलाहाबाद सफेदा, ये ललित जो किस्म है इसमें 24% ज़्यादा उपज देती है इलाहाबाद सफेदा से, और सुटेबल फॉर जैम मेकिंग और जैम सॉरी सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, जेली जो बनाते हैं उसके लिए जो सुटेबल किस्म है। श्वेता हाइएस्ट TSS, तो TSS है वो 14 डिग्री होता है इसके अंदर, ठीक है, गलत लिख दिया था मैंने, एक 1400 लिख दिया, 14 डिग्री ब्रिक्स होता है इसके अंदर। इसके अलावा हाइब्रिड कोहिर सफेदा, ये कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा का क्रॉस है। इसके अलावा सफेद जाम, इलाहाबाद सफेद सफेदा इंटू कोहिर का क्रॉस है, और पूसा सृजन और ड्वार्फ रूट स्टॉक है। पूसा सृजन वैसे तो किस्म है और पर ड्वार्फ किस्म है और रूट स्टॉक भी यूज की जाती है। क्लाइमेट गुआवा रिक्वायर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब जो उष्ण कटिबंधीय है और जो उपोष्ण कटिबंधीय होता है दोनों को, दोनों के अंदर ये कल्टीवेट होता है। इट रिक्वायर ए ड्राई एनवायरनमेंट ड्यूरिंग फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग, और जब इसमें फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग हो रही होती है उस समय शुष्क मौसम होना चाहिए, नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब, इसलिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी कल्टीवेट होता है। सुटेबल एनुअल रेनफॉल इज
1000 to 2000 mm जो सुटेबल एनुअल रेनफॉल है जिसपे इसको कल्टीवेट किया जा रहा है 1000 से 2000 mm के आसपास होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए। द सुटेबल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो कल्टिवेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर है वो 23 से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। गुवावा इज ग्रोन अप टू ए हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव सी लेवल। जो गुवावा है उसकी कल्टिवेशन 1000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर की जाती है, हजार मीटर की ऊंचाई तक इसकी कल्टिवेशन की जाती है। नेक्स्ट है सोयल, लाइट क्ले लोम टू क्ले सोयल, मतलब जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी होती है हल्की, ठीक है, और उस मिट्टी में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो वाटर लॉगिंग होती है जल भराव वाली स्थिति रहती है, पानी भर जाता है खेत के अंदर, उससे सेंसिटिव होती है, सहन नहीं कर सकती। पीएच 4.5 से 8.5, जो पीएच है मिट्टी का वो 4.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा प्रोपोगेशन एंड प्लांटिंग, गुवावा इज ए मेनली प्रोपोगेटर थ्रू एयर लेयरिंग, स्टूलिंग एंड माउंट लेयरिंग। गुवावा की जो प्रोपोगेशन है वो ज़्यादातर गुट्टी, जिसको अपने कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, वैसे मार्कोटेज भी बोल देते हैं, उससे की जाती है, एयर लेयरिंग से ज़्यादातर करते हैं, या फिर इसके अंदर जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग से करते हैं। स्टूलिंग जिसके अंदर पूरे पौधे को हेड एंड बैक करके उसके ऊपर एक टीला लगा देते हैं और उसमें से जो शाखाएं निकलती हैं उनको टीला लगाने के बाद उसमें फिर रिंग से आकार की छाल को निकाल के फिर उसमें से ग्रोथ रेगुलेटर से उसको ट्रीट करके फिर से वापस से टीले में दबा देते हैं और जब जड़ें आ जाती हैं उन शाखाओं को, अलग अलग शाखाओं को काट कर नर्सरी में रोपित कर लेते हैं। उस तरीके से इसको प्रोपोगेट किया जाता है। द प्रॉपर टाइम फॉर एयर लेयरिंग इज द रेनी सीजन, जो प्रॉपर समय है एयर लेयरिंग का वो रेनी सीजन होता है, ठीक है, बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग फॉलो की जाती है। बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून, पिट ऑफ साइज 75-100 क्यूबिक सेंटीमीटर आर डग। जैसे ही मौसम मानसून, जो बरसात आने वाली होती है मानसून वाला, तो उससे कुछ समय पहले 75 से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आकार के खड्डे खोद लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले ही खेत की तैयारी करते हैं गर्मी के अंदर ही। द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर प्लांटिंग इज द ऑनसेट ऑफ द मानसून, जो अच्छा समय, उपयुक्त समय होता है प्लांटिंग का, रोपण करने का, वो जब मानसून चालू हो रखा होता है, मतलब मानसून बरसात हो रही होती है उसी समय उसमें प्लांटिंग करनी चाहिए, यानी कि जून जुलाई के अंदर प्लांटिंग करनी चाहिए पौधे की। द प्लांटिंग डिस्टेंस इज कीप्ड एट 5x5 मीटर और 6x6 मीटर, जो इसमें पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है वो 5x5 या फिर 6x6 मीटर रखी जाती है। मैन्योर फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन, इरीगेशन इज स्टॉप टिल मई आफ्टर हार्वेस्टिंग टू टेक द मिर्ग बहार क्रॉप। जो इरीगेशन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है मई के बाद जब फलों को हार्वेस्ट कर लिया जाता है मिर्ग बहार की फसल को लेने के लिए, ठीक है। वैसे जो इसमें इरीगेशन किया जाता है वो गर्मियों के अंदर 6 से 7 दिनों के अंतराल पर करते हैं और सर्दियों के अंदर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसमें वैसे सिंचाई की जाती है रेगुलर जब भी करते हैं तो, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अप्लाइड ड्यूरिंग जून फॉलोड बाय इरीगेशन टिल इट रेन्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो दिए जाते हैं वो जून के अंदर देते हैं, ठीक है, मई से जून के अंदर इसमें पानी नहीं दिया जाता, उसके बाद जून के अंदर इसमें मैन्योर फर्टिलाइजर देके सिंचाई करते हैं इरीगेशन टिल इट रेन्स, जब तक कि बरसात नहीं आती, उसके बाद जब बरसात आ जाती है तो जरूरत पड़े तो सिंचाई करते, नहीं तो नहीं करते। फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट साल होता है पौधे का, फर्स्ट ईयर NPK 50-40-50 ग्राम पर ट्री, जो फर्स्ट एक साल का पौधा होता है उस समय 50 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फॉस्फोरस और 50 ग्राम पोटाश प्रति पौधा दी जाती है। इसके अलावा जब 7 साल या उसके बाद जो पौधा होता है तब 350-280-350 ग्राम पर टी, जो उसके बाद पौधे को खुराक दी जाती है जहाँ उसकी फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं NPK, वो 350 नाइट्रोजन, 280 फॉस्फोरस, 350 पोटाश ग्राम पर ट्री देते हैं प्रति ईयर, ठीक है, प्रत्येक साल देते हैं। और मैन्योर फर्टिलाइज़र जून के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, गुआवा प्लांट आर समटाइम केयर्ड बाय
शैलो हैंड होइंग। गुआवा के अंदर ज़्यादातर जो उसकी गुड़ाई करते हैं हाथ से गुड़ाई करते हैं, हल्की उथली गुड़ाई की जाती है। सम वेजिटेबल क्रॉप्स कैन आल्सो बी ग्रोन इन गुआवा ऑर्चर्ड लाइक ब्रिंजल, ओकरा, बीट, रेडिश एक्सेट्रा। मतलब इंटरक्रॉप भी ली जाती है, जैसे कुछ सब्जियां हैं, ब्रिंजल है, जैसे बैंगन है, भिंडी है, या चुकंदर है, या फिर मूली है। ऐसी फसलें इंटरक्रॉप के रूप में गुआवा के ऑर्चर्ड में ली जाती हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग एट एन अर्ली स्टेज जंग प्लांट डीहेडेड दे प्रोड्यूस सम लेटरल ब्रांचेस ऑफ विच टू और थ्री आर अलाउड टू ग्रो एंड अदर्स आर रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ दीज ब्रांच। टू और थ्री स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी ब्रांचेज आर अलाउड टू ग्रो, देन द टर्टियरी ब्रांचेज इमर्जिंग फ्रॉम दीज सेकेंडरी ब्रांचेज आर अलाउड टू स्प्रेड। पहला तो यह है कि जब पौधा छोटी अवस्था में होता है, जंग स्टेज के अंदर होता है, ठीक है, उसी समय उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, ऊपर से काट देते हैं। उसके बाद उसकी दो तीन जो शाखाएं निकलती हैं उनको रख लिया जाता है, और ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन दो तीन शाखाओं से प्रत्येक से दो से तीन शाखाओं को फिर से आगे सेकेंडरी शूट के रूप में रखा जाता है, ठीक है। उन शाखाओं के ऊपर भी जब जो टर्टियरी शाखाएं निकलती हैं उसके बाद नई शाखाएं निकलती हैं उनको फैलने के लिए छोड़ दिया जाता है, चारों तरफ वो उसका उसके ऊपर फलन होता है। उसके बाद फ्रूटिंग ट्री कैन बी लाइटली प्रून इन सितंबर फरवरी एनुअली। जो फ्रूटिंग फल होता है, मतलब सॉरी फ्रूटिंग ट्री होता है जिसमें कह लो कि जिस टाइम फल आ रहे होते हैं वृक्ष के ऊपर, उस समय पौधे के अंदर ज़्यादातर हल्की छंटाई करते हैं, वो भी सितंबर से फरवरी के अंदर। प्रत्येक वर्ष सितंबर से लेकर फरवरी तक हल्की प्रूनिंग की जाती है, जब फलन स्टार्ट हो जाता है पौधों के ऊपर। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन गुआवा फॉर मृग बहार। रेगुलेशन मैंने पहले भी कहा था, क्रॉप रेगुलेशन किसको कहते हैं, जब बहार को कैसे अपने नियंत्रित करेंगे कि ये बहार के अपने को फल लेने तो दूसरी बहार को कैसे अवॉइड करेंगे। अक्रॉस इंडिया मृग बहार इज प्रेफर्ड ओवर अंबे बहार एंड हस्त बहार। पूरे भारत के अंदर मृग बहार को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है अंबे बहार और हस्त बहार की तुलना में। देयर फॉर इट बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द फ्लावरिंग सो दैट द मृग बहार कैन प्रोड्यूस हैवी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल इन विंटर। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि उस फसल की जो मृग बहार है उसको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा फलन हो उस समय और ज़्यादा फ्लावरिंग हो, ज़्यादा फलन हो। तो इसको रेगुलेट करना के लिए अपने कुछ प्रैक्टिस फॉलो की जाती हैं, जैसे टू रिस्ट्रिक्ट इरिगेशन वाटर। पहला है रिस्ट्रिक्ट इरिगेशन वाटर, मतलब पानी को रोकना एक तरीके से। स्टॉप इरिगेशन फ्रॉम फरवरी टू मिड मई। हमेशा जो इसमें क्रॉप रेगुलेशन किया था उसमें क्या करते हैं कि फरवरी से लेके मई तक की सिंचाई को रोक दिया जाता है, उस समय सिंचाई नहीं करते खेत के अंदर। बाय डूइंग दिस द ट्री शेड इट्स लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन। अप्रैल मई के अंदर पत्तियां अपनी झाड़ देता है पौधा सारा का सारा, जितनी भी उस पानी की कमी के कारण, ठीक है, स्ट्रेस के कारण, और एंड गोज टू रेस्ट, और रेस्ट में चला जाता है, सुसुप्त हो जाता है पौधा, मतलब पत्ते झाड़ के सुसुप्त अवस्था में हो जाता है। ड्यूरिंग रेस्ट द ट्री प्रिजर्व द फूड इन इट्स ब्रांचेज, और अपनी जितना भी भोजन होता है वो उसकी शाखाओं में इकट्ठा हो जाता है, पत्तियों वाला सारा बन बना के, ठीक है, पत्तियां जड़ जाती हैं। आफ्टर इरीगेशन इन द मंथ ऑफ जून द ट्री इज़ वेल कल्टिवेट एंड फर्टिलाइज्ड। आफ्टर 20 to 25 days द ट्री ब्लूम्स प्रोफ्यूजली। इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही जून के अंदर सिंचाई करते हैं उसके बाद साथ ही उसकी अच्छी कल्टीवेशन करते हैं, मतलब निराई गुड़ाई करती हैं पौधों के साथ में, गुड़ाई करके उसको अच्छे फर्टिलाइजर खाद जो उर्वरक जो देने हैं वो दे दिए जाते हैं। उसके 20 से 25 दिन बाद जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो बहुत ही अच्छे फूल देता है, बहुत ही अच्छे फूल ले लेता है जो अपने को बाहर चाहिए उसके लिए आगे, ठीक है, वो मृग बाहर के फूलों के आगे। उसके बाद दूसरा जो कल्चर ऑपरेशन किया जाता है, कभी किसी जगह पे कोई किया जाता है, कभी किसी जगह पे कोई किया जाता है, दूसरा होता है टू एक्सपोज रूट्स द टॉप सॉयल अराउंड द स्टेम अबाउट 45 to 60 सेंटीमीटर रेडियस इज केयरफुली रिमूव सो दैट द रूट्स आर एक्सपोज टू द सन विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ मॉइस्चर इन द टॉप सॉयल लीडिंग टू लीफ ड्रॉप एंड द ट्री गोज टू रेस्ट। वही चीज़ सेम प्रोसेस की तरह ही है, उस वैसा ही काम करेगा। इसमें क्या करते हैं कि जो टॉप सॉयल होती है, यानी कि पौधे के आसपास के 45 से 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या के अंदर जो भी मिट्टी होती है उसको खोद देते हैं, उसको हटा देते हैं वहाँ से पौधे की, जिससे कि जड़ों को थोड़ी सी धूप लग जाती है और जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो भी सूख जाती है उसके कारण। जब अपने निकाल देंगे तो जड़ों को धूप लग जाएगी, ठीक है, उससे मॉइस्चर कम हो जाएगा,
जिससे क्या होगा कि पत्तियां पौधे कमी होने के कारण, मॉइस्चर की कमी होने के कारण पत्तियां झड़ जाएंगी पौधे की और पौधा अपने आप ही रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, वो रेस्ट करने लग जाएगा, कहने का मतलब डोरमेंट हो जाएगा। और आफ्टर अबाउट 3 to 4 weeks द एक्सपोज रूट्स आर अगेन कवर्ड विद सोयल। 3 से 4 वीक का एक्सपोज करने के बाद जड़ों को, लगभग कह लो कि 1 महीना या इससे थोड़ा सा कम जड़ों को एक्सपोज रखा जाता है, उसके बाद उनको कवर कर देते हैं फिर मिट्टी से अच्छे फर्टिलाइजर डालकर, और फिर उसके बाद सिंचाई कर देते हैं उसकी, ठीक। इससे फिर जब जैसे ही फलन में आएगा और एकदम से जो पौधा होगा फलन में आ जाएगा, मतलब पुष्पन होगा उस पर, स्टार्ट होगा, जैसे ही उसको अपने फर्टिलाइजर देंगे और पानी देंगे तो वो एकदम से फलन में आ जाएगा। उसके बाद टू डू डी ब्लॉसमिंग क्या होता है, जो ब्लॉसम्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको तोड़ना। पहले मैंने यूरिया वाला एक आपको पहले भी बताया था कि जैसे 10% यूरिया जो इलाहाबाद सफेदा के अंदर और L49 के अंदर 20% यूरिया का छिड़काव किया जाता है डी ब्लॉसमिंग के लिए, कह लो जहाँ बाहर को रेगुलेट करने के लिए, उस बाहर को हटाने के लिए। तो वैसे ही 50 ppm नेप्थलीन एसेटेमाइड, जिसको नार्ड, इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डी ब्लॉसमिंग, मतलब मोस्ट इफेक्टिव केमिकल है जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डी ब्लॉसमिंग के लिए, पुष्पन को हटाने के लिए। जैसे मान लो कि 3 बार बहारों में फूल आते हैं, ठीक है, बाहर में फूल आए पूरे के पूरे, उस समय उसके ऊपर नार्ड का छिड़काव कर दिया, उस बार के अपने को फल नहीं लेने इसलिए उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, जिससे फूल आए थे वो जड़ गए, ठीक है, फिर उस सीजन में नहीं आएंगे, अगले सीजन में आएंगे जब अपने को जरूरत है। फ्लावर बड कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय हैंड, अगर 1-2 पौधे हैं तो उसको हाथ से भी उसके जो पुष्प होते हैं उनको हटाया जाता है कई बार। नेक्स्ट है बेंडिंग, इसी के अंदर क्रॉप रेगुलेशन के अंदर ही है बेंडिंग। ट्रीज इन विच ब्रांचेस ग्रो स्ट्रेट एंड हैव लेस फ्रूटिंग, जो पौधे की जो शाखाएं सीधी वृद्धि करती हैं और उन पे बीयरिंग नहीं होती या कम फ्रूट लगते हैं, सच ब्रांचेस कैन बी बेंट डाउन, ऐसी शाखाओं को बेंट कर दिया जाता है, नीचे की तरफ झुका दिया जाता है और एक कील्ले या खूंटे के साथ बांध दिया जाता है नीचे टाइड करके, मतलब उन शाखाओं को झुका के नीचे की तरफ एक खूंटे गांठ के उनके साथ बांध देते हैं। डूइंग दिस एक्टिवेट्स द डोरमेंट बड विच प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स, इससे क्या होता है कि जो भी उसकी कलियां, जैसे अपने शीर्ष प्रमुखता मैंने कई बार कहा कि एपिकल डोमिनेंस, वो वाली प्रोसेस होती है इसमें, ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसको अपने नीचे की तरफ कर दिया उस शाखा को, मेन जो ऊपर बढ़ रही थी, जिससे क्या हुआ उसकी जो दूसरी शाखा दूसरी कलियां थी उसमें ऑक्सीजन जाने लग गया, तो वहां से वो शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, ऑक्सीजन जो अपने मेन शीर्ष के अंदर था उसका फ्लो अपने चेंज कर दिया, वो वहीं पे होगा जहाँ जो पौधे की सबसे ज़्यादा ऊंची जगह होगी, ठीक है, तो वहाँ पे वो जहाँ भी उसकी कलियाँ होंगी वो डोरमेंट थी वो एक्टिव हो जाएंगी और वहाँ पे फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग होगी। इसके अलावा हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड, सीड प्रोपेगेटेड प्लांट स्टार्ट गिविंग फ्रूट इन 4 to 5 years, जो बीज से प्रवर्धित पौधे होते हैं वो 4 से 5 साल में फल देना स्टार्ट करते हैं, और जो वेजिटेटिव मेथड से जैसे कोई एयर लेयरिंग से या फिर माउंट या स्टूलिंग से तैयार होता है वो 2 से 3 साल में फल देना स्टार्ट कर देता है। गुआवा फ्रूट टेक 22 weeks अबाउट 5 months फ्रॉम फुल ब्लूम टू मैच्योरिटी, और जो गुआवा होता है अमरूद वो 22 वीक के अंदर पक जाता है जब उसमें पुष्पन होता है उसके 22 वीक के बाद, ठीक है, 22 यानी कि 5 महीने के अंदर फल तैयार हो जाता है खाने के लिए। व्हेन द कलर ऑफ द फ्रूट चेंज फ्रॉम डार्क ग्रीन टू येलो ग्रीन, जब फल का जो कलर होता है, रंग होता है, वो गहरे हरे से पीला हरा हो जाता है तो उसको तोड़ लेते हैं। इसके अलावा राइप और हाफ राइप फ्रूट्स आर प्रेफर्ड फॉर ईटिंग, पके हुए या फिर अध पके फलों को ज़्यादातर खाने के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसका जो उपज है 150 से 200 किलो पर ट्री, पौधे की जो उपज रहती है एक पौधे के हिसाब से वो 150 से 200 किलो फल पर पौधा मिल जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल, पहला है गुआवा फ्रूट फ्लाई डेकस डोरसेलिस, डेंजरस ड्यूरिंग मानसून, जो ये डेंजरस है एक कह लो कि मानसून के अंदर ज़्यादा सीरियस होती है, ज़्यादा अटैक करती है। द फ्लाई लेज एग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट, जो इसकी फ्लाई अवस्था जैसे जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये जो फल होता है उसकी ऊपरी सतह पर अंडे देती है। आफ्टर हैचिंग यंग मैगट्स एंटर द फ्रूट एंड फीड ऑन द सॉफ्ट पल्प,
जैसे ही अंडों से बच्चे निकलते हैं, या कह लो कि एक सुंडी लट निकलती है, वो फल के अंदर एंटर कर जाती है और उसके अंदर वाली पल्प को खा जाती है। कंट्रोल है, कलेक्टेड ऑल इफेक्टेड फ्रूट्स एंड बर्न देम थ्रोली। जो भी गिरे हुए फल है जिनके अंदर आपको छेद लगता है, उन सबको इकट्ठा करके उनको जला देना चाहिए। डिग द सोयल अराउंड द ट्रंक ट्री ड्यूरिंग द समर मंथ। जो पेड़ है उसके चारों तरफ की मिट्टी की अच्छी खुदाई करनी चाहिए गर्मियों के अंदर, जिससे कि ये इसके जो कीट, जो मक्खी है या फिर इसकी लार्वा स्टेज नीचे पड़ी हुई है, वो मर जाए। इसके अलावा अवॉइड टेकिंग अंबे बहार क्रॉप। अंबे बहार के अंदर ये ज़्यादातर क्या कहते हैं कि इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो अवॉइड करना चाहिए इस फसल को। स्प्रे मैलाथियन 0.05% और लेबासिड 0.05%। मतलब इसके लिए आप मैलाथियन का छिड़काव कर सकते हो या फिर लेबा एसिड का छिड़काव करो। फिर है मिली बग। दे सक द सैप फ्रॉम टेंडर लीव्स एंड फ्लोवर्स। जो मिली बग है, जैसे हर फसल के अंदर ही ज़्यादातर इसका प्रकोप देखने को मिलता है, ये जो पौधे के टेंडर भाग होते हैं, कोमल भाग होते हैं, वहाँ से रस चूसकर उसको नुकसान पहुँचाती है और एक हनी ड्यू जैसा लेटेक्स भी सिक्रेट करती है, छोड़ती जाती है उस जगह पे एक चिपचिपा सा। ठीक है, इसको जो कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए अंदर जो कीड़े होते हैं ना, एंट्स होती हैं, चींटियां, वो काम करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का। कंट्रोल क्या है, ट्रीट द सोयल एट द बेस ऑफ द ट्री विद थाइमेट 10 ग्राम और फॉस्फेट 10 ग्राम। जो पौधे का बेस होता है, जहाँ पे पौधा लगा हुआ, उसके आसपास की जो ज़मीन होती है, वहाँ पे थाइमेट 10 ग्राम या फिर फॉस्फेट 10 ग्राम को डालना चाहिए, उससे ट्रीट करना चाहिए उस मिट्टी को, आसपास की मिट्टी को पौधे के। इसके अलावा टाई ए पॉलीथीन फिल्म ऑन द ट्रंक। जो मेन वृक्ष है उसकी जो तना होता है, ट्रंक होता है, उसके ऊपर एक पॉलीथीन की स्ट्रिप लगा दी जाती है। कभी कभी तो ये इसके ऊपर ग्रीस भी लगा देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि एक सिंपल स्ट्रिप लगा देते हैं, जिससे कि जो मिलीबग होती है ये ज़्यादातर ज़मीन से ऊपर चढ़ती है, तो इस स्ट्रिप के कारण वो ऊपर चढ़ नहीं पाती, फिसलती रहती है। तो ये यूज किया जाता है। यहाँ फिर स्प्रे विथ 0.1% मेटा एसिड। जो मेटा एसिड का आप इसके लिए 0.1% का आप छिड़काव भी कर सकते हो। इसके अलावा बार्क ईटिंग कैटरपिलर अर्बेला टेट्रोनिस। ठीक है, द इंसेक्ट लेज एग अंडर लूज बार्क। जो ढीली छाल होती है पेड़ के ऊपर कई बार, तो वहाँ पे इसके जो इंसेक्ट, जहाँ कह लो कि इसकी एडल्ट होती है, वो अंडे देती है। एंड हैचिंग लार्वा प्रेसेस द स्टेम एंड बार्क। जो हैच लार्वा होती है, इसकी सुंडी होती है, जैसे ये पिक्चर में लट, ये तने के अंदर और जो शाल होती है उसके अंदर छेद कर देती है। कंट्रोल क्या है, ट्राई टू टेक आउट विद द हेल्प ऑफ वायर फ्रॉम द होल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। कोशिश करो कि उसको लट को जो तार होते हैं उससे निकालने की, कि वो बाहर आ जाए, उसके बाद उसको ख़त्म कर दो, या फिर पोर केरोसिन और पेट्रोल एंड फिल द होल विद कॉटन। जो केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, या फिर पेट्रोल को उस जो छेद है उनके अंदर भर दो और ऊपर से जो कॉटन का प्लग होता है उससे बंद कर दो उनको, हॉल को। ठीक है, वो अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद डिजीज़ कंट्रोल, विल्ट, गुआवा विल्ट, ठीक है, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। फ्यूजेरियम सोलेनी या फिर मैक्रोफोनीमा फोमिना फायसोलिना के कारण होता है। दो कोजल ऑर्गेनिज्म है इसके। ठीक है, येलोइंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स फ्रॉम द टॉप एंड लेटर द ट्री बिगन्स टू विल्ट। पत्तियों का पीला पड़ जाना, फिर उसके बाद जो पत्तियां होती हैं और ट्विक्स होते हैं, जो शीर्ष होते हैं, वहां से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पौधे का सूखना। ठीक है, इसके बाद पौधा पूरा का पूरा मुरझा जाता है। इट इज़ ए मोर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन एल्केलाइन सोयल। और ये ज़्यादातर जो बरसात का मौसम होता है, या तो उस समय ज़्यादा होती है, या फिर एल्केलाइन सोयल के अंदर ज़्यादातर ये होती है। कंट्रोल क्या है, इंजेक्ट लियोन सल्फेट इनटू हेल्दी प्लांट। ठीक है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू आपको 8 क्विनोल लिनोल आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। आफ्टर प्रूनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च जून एंड सितंबर, गिव 15 ग्राम ऑफ वावास्टीन टू द बेस
बेसिन ऑफ ईच प्लांट, जो पौधे का बेसिन होता है, मतलब कहने का मतलब उसका जो थाला रहता है, थाला बना हुआ रहता है पौधे का जहाँ पे पानी देते हैं, उसके अंदर 15 ग्राम बास्टीन से आपको उस जगह को ट्रीट करना है। जैसे ही आप उसकी प्रूनिंग करते हो उसके बाद उसको पौधे को देना है। इसके अलावा स्प्रे ए मिक्सचर ऑफ 0.05% मेटासीटॉक्स एंड 0.3% जिंक सल्फेट ऑन डिजीज्ड ट्री ड्यूरिंग मार्च एंड सितंबर। अगर आपको लगता है कि पौधे के ऊपर बीमारी आ गई है तो उसके ऊपर आप मेटासीटॉक्स और जिंक सल्फेट के मिक्सचर का छिड़काव करो मार्च और सितंबर के अंदर। इसके अलावा ग्रो रेजिस्टेंट वराइटीज लाइक इलाहाबाद सफेदा, बनारसी, सुप्रीम, इसके अलावा आप रेजिस्टेंट जो जिनमें ये किस्म, ऐसी किस्में जिनमें ये बीमारी नहीं होती आती, जहाँ कह लो कि प्रतिरोधी किस्में उगाओ, जैसे इलाहाबाद सफेदा है, बनारसी है, सुप्रीम है, इनको। इसके अलावा अनार, एंथ्रेक्नोज, गोलियोस्पोरिडियस सीडी, इसके अलावा ग्लोमेरुला सीडी के कारण ये ज़्यादातर होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसके। स्मॉल पिन हेडेड शेप्ड स्पोर्ट्स अपीयर ऑन फ्रूट्स स्पेशली ड्यूरिंग मानसून, लेटर द स्पोर्ट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर लेसन। फलों के ऊपर और ज़्यादातर एक पिन हेड, जैसे कोई आलपिन होती है ना, आलपिन का हेड रहता है, ठीक है, वैसे छोटे छोटे आपको डॉट दिखाई देंगे मानसून के समय फलों के ऊपर, जो बाद में मिलकर एक बड़ा घाव की तरह बन जाएंगे फलों के ऊपर। कंट्रोल क्या है, स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और डायथेन जेड 78 एट 0.2%, या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या फिर डायथेन जेड 78 का 0.2% का आपको छिड़काव करना है। ग्रो ए रेजिस्टेंट वराइटी सच एज एप्पल, इसके लिए आप प्रतिरोधी किस्म उगा सकते हो, जैसे कि एप्पल है। फॉलो द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसके अलावा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से उसकी खेती करनी चाहिए। गुवावा फ्रूट कैंकर नेक्स्ट है। पेस्टालोटिया सीडी, द इन्फेक्शन कॉज माइक्रोस्कोपिक ब्राउन और रस्ट कलर्ड मोनोलिथिक स्फेरियल नेक्रोटिक कोर की कैंकर्स ऑन यंग इमेच्योर फ्रूट, द स्पोर्ट्स आर शैलो ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। जैसे मैंने आपको ग्रेप इसके अंदर बताए थे, पिछले फ्रूट्स के अंदर, इसके सिट्रस के अंदर, तो उसके अंदर भी कैंकर आता है, सेम इसमें भी वैसा ही कोर की एक उभरा हुआ जैसे जंग हो उस कलर का, फिर जहाँ पे ब्राउन कलर के छोटे छोटे फल के ऊपर ये कह लो कि धब्बे, जहाँ कह लो कि छोटे छोटे डॉट से बन जाते हैं जो उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। द स्पोर्ट्स आर शैलो ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, और ये जो स्पोर्ट बनते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, ये शैलो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते स्किन के अंदर, ये उसके जो ऊपर वाला छिलका होता है, पील होता है, उसके ऊपर बहुत ही उथले उथले होते हैं। कंट्रोल क्या है, स्प्रे 1% बोडोक्स मिक्सचर और डायथेन जेड 78 0.2%, इसके लिए आप बोडोक्स मिक्सचर या फिर डायथेन जेड 78 का 0.2% का छिड़काव करें। टेक ओनली द मृग बहार क्रॉप विच मैच्योर ड्यूरिंग ड्राई विंटर मंथ्स, जो कि मृग बहार को लेना चाहिए इसके लिए फसल को, दूसरी फसलों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस समय मौसम ड्राई रहता है विंटर मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो एक ही है गुआवा के अंदर, ब्रॉन्जिंग, ठीक है। इन द इफेक्टेड गुआवा ट्रीज ब्रांचेस द इंटरवाइनल टिश्यूज ऑफ ओल्डर लीव्स टर्न रेड टू पर्पलिश रेड विद द फर्स्ट और सेकेंड पेयर्स ऑफ लीव्स रिमेन ग्रीन, मतलब इसमें जो पौधे की जो शाखाएं होती हैं उसके ऊपर जो पत्तियां, पुरानी पत्तियां होती हैं, उनके जो इंटरवाइनल टिश्यूज होते हैं, नसों के पास वाले जो टिश्यू होते हैं, यानी कि उसका क्लोरोफिल वाला भाग होता है, वो रेड से लेके पर्पलिश रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो पत्तियों की पहली और जो सेकेंड पत्तियाँ होती हैं, पेयर में दो दो पत्तियाँ होती हैं, तो वो पत्तियाँ हरी रहती हैं। इट इज सेवर 80% ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड मच लेस 10% ड्यूरिंग द विंटर, और ज़्यादातर ये जो रेनी सीजन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, 80% तक दिखाई देता है, और जो सर्दियों के अंदर ये 10% तक ही दिखाई देती है ये जो ब्रॉन्जिंग है। कॉजेज क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है ड्यू टू पी के एंड जेड डेफिशेंसी, जो कि कह लो कि एक तरीके का 3-4 न्यूट्रेंट का मिला जुला असर है जिसके कारण ये आपको दिखाई देता है पत्तियों के ऊपर, जो कि फास्फोरस है, पोटाश है और जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। मोर इन एल्फी सोल्स, रेड सोयल्स ऑफ साउथर्न
कर्नाटका, जो रेड सोयल है, अल्फी सोल होती है, उसके अंदर ये जो ज़्यादा दिखाई देता है, जो कि साउथर्न कर्नाटका की जो रेड सोयल है उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। सोयल एसिडिटी इज एट्रीब्यूटेड टू ब्रॉन्जिंग अलॉन्ग विद पुअर मैनेजमेंट एंड लो सोयल फर्टिलिटी। जो सोयल एसिडिटी होती है इसको ब्रॉन्जिंग को एट्रीब्यूट करती है, जिसके साथ में अगर खेत का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया हो, प्रबंधन ना किया हो और सोयल की फर्टिलिटी भी कम हो, उर्वरकता भी मिट्टी की कम हो, तो ये ज़्यादातर सोयल एसिडिटी कंडीशन के अंदर भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या है? एडोप्ट प्लांट फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जो एक तरीके की स्वच्छ खेती करनी चाहिए। ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटीज लाइक इलाहाबाद सफेदा, इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटी उगानी चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा एक कह लो कि रोधी किस्म है इसकी। अप्लाई बैलेंस्ड फर्टिलाइजर NPK एंड रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ZN एंड बोरोन बेस्ड ऑन द सोयल टेस्ट। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है उनको एक बैलेंस के अंदर देने चाहिए, जो भी उसकी निर्धारित या अनुशंसित मात्रा उसके अनुसार, जैसे NPK देने हैं आपको, या फिर जिंक है, या बोरोन है, उनको एक निर्धारित मात्रा में देना चाहिए, जैसा भी टेस्ट है सोयल का, एनालिसिस है उसके अनुसार। अवॉइड प्लांटिंग गुआवा ऑर्चार्ड इन एसिटिक सोयल्स, और जो हमेशा अवॉइड करो कि वहाँ पे प्लांटिंग ना करो, जहाँ पे मिट्टी एसिटिक है वहाँ पे गुआवा की और प्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। अवॉइड प्लांटिंग इन कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, मतलब जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में भी गुआवा की प्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।